मेरा नाम है जरमीन फातिमा और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल गुड़लक में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बन, जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं और डबल रोटी भी। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच हम पाउडर शुगर लेंगे, 1 चम्मच ईस्ट, 1 चम्मच हम ऑयल लेंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और हम नीम गरम पानी लेंगे डो गूंदने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, 2 चम्मच हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे, इसमें ईस्ट ऐड कर देंगे और ऑयल भी। चुटकी नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सारों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे इसकी सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। इसे हमने अच्छे से 10 मिनट तक गूंदना है, जब तक ये हाथों से चिपकना बंद नहीं हो जाती। जब ये हाथों से चिपकना बंद हो जाएगी तो हमारी डो रेडी हो जाएगी। देखें 10 मिनट हो गया, हमारी डो हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। सर्दियां हैं वैसे इसे 1 घंटा भी लग सकता है फूलने के लिए। अब हम इसे एक बाउल में रख देंगे। मैंने इसे एक बाउल में रख दिया है। अब हम इसे कवर करके एक प्लेट में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया है, हमारी डो अच्छे से फूल के डबल हो गई है। अब हम इसे इसकी सारी लेयर्स निकाल देंगे। देखिए मैंने इसमें से सारे एयर निकाल दिए है। अब हम बेकिंग ट्रे लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अब हम इसके दरमियानी साइज के पेड़े बना लेंगे। इस साइज के बनाएंगे और इस ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। ये देखिए ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर अंडे का वाश लगा देंगे। देखिए मैंने इन सबको फासले पे रखा है क्योंकि ये बेक होके और फूल जाएंगे। देखिए मैंने सब पे अंडे का वाश लगा दिया है। अब हम इस पे सफेद तिल लगा देंगे। देखिए मैंने इस पे तिल लगा दिए हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट ब्रेड बनके तैयार हैं। 15 मिनट के लिए इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको ये अलहदा करके दिखाऊंगी। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे ब्रेड ठंडे हो गए हैं। ये नीचे से भी बड़े ज़बरदस्त कलर के आ गए हैं और ऊपर से भी बड़ा ज़बरदस्त कलर आया है इनका। देखिए कितने सॉफ्ट और स्क्विशी है।
आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और इसी के साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।